मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टरों में जारी कार्यों की समीक्षा की। कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने विस्तार से प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के संबंध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कई प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए। इन निर्देशों में बताया गया कि विगत 7 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021-22 में प्रदेश की कुल GDP 16.45 लाख करोड़ थी, जो आज 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा GDP लक्ष्य 32 लाख करोड़ का है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अलग अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन GPA का जो लक्ष्य रखा गया, उसके सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित GVA 5.85 लाख करोड़ के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित GVA के सापेक्ष 129% की वृद्धि दर्ज की गई है। योगी ने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लक्ष्य बड़ा है। पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी विभागों की सक्रियता को प्रदर्शित करता है। हमारी नीति और नियोजन सही है। आवश्यकता है बड़े लक्ष्य के लिए अपनी स्पीड तेज करने की। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने कहा, आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संवाद समन्वय बनाए। सभी को मिलकर सही नीति और नियोजित क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना होगा। हर सेक्टर में अवसर है, हमें नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। कृषि सेक्टर में सीड इकोसिस्टम को बेहतर करना होगा। सीएम योगी ने कहा, अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुनी तेजी के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना भवन में आयोजित $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की समीक्षा बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को सही क्रियान्वयन की सलाह दी। स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24/7।